नमस्ते, मेरी पकवान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं कस्टर्ड बनाने जा रही हूँ। देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। ये दूध रखी हूँ, हल्का सा गुनगुना हो गया है तो दो तीन कलछुल में निकाल लूँगी। इसी में मैं कस्टर्ड मिलाऊँगी, ज़्यादा गर्म में नहीं मिला सकते तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो मैं ये दूध निकाल ली हूँ, इसमें मैं 3-4 चम्मच मिलाऊँगी। छोटा चम्मच है, मतलब कुल मिला के 50 ग्राम ये कस्टर्ड पाउडर मिला रही हूँ। तो ऐसे देखिए धीरे धीरे उसमें चला के मिला लेना है पहले से, फिर जब दूध उबल जाएगा तब उसमें डालूँगी। ये देखिए, ये कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, कितना गाढ़ा बनाना है, पतला बनाना है, ये अपने हिसाब से हो सकता है कम ज़्यादा। तो मैं अपने हिसाब से 1 लीटर तक दूध है उसके हिसाब से मैं 50 ग्राम ली हूँ। ज़्यादा दूध है, अगर ज़्यादा गाढ़ा बनाना है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं उसको। तो ये देखिए मेरा दूध उबलने लगा है। दूध उबलने लगे तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है और इसको हमेशा चलाना है, नहीं तो बहुत जल्दी पकड़ लेता है नीचे से, तो जलने का रहता है डर। तो देखिए ऐसे ही डालना है मिला के थोड़ा थोड़ा। तो देखिए ऐसे ही मिलाना है, इसको देर तक रखना ही नहीं है, बस थोड़ा सा उबल जाए बस हो गया। एक उबाल में बस 5 मिनट में बन जाता है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो ये मैं कस्टर्ड डाल दी हूँ, उबल रहा है। अब इसी टाइम चीनी डालना चाहिए लेकिन मैं थोड़ा सा भूल गई थी तो मेरा डालने में लेट हो गया था, अभी मैं डाल रही हूँ। ये देखिए अब नीचे से मैं चला रही हूँ, ऐसे चला चला के एक बार उबालना है कस्टर्ड डालने के बाद। तो रुकना बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा भी आप रुकेंगे तो नीचे पकड़ लेता है। तो आप चलाते रहिए और उतारने के बाद भी इसको चलाते रहना है। देखिए उतार के मैं ठंडा कर रही हूँ, ठंडा कर ली हूँ। 1 घंटा कम से कम लगता है कमरे में, चला चला के ही ठंडा करना है क्योंकि उस पर मलाई ना जमने पाए। तो ठंडा करके मैं फ्रूट डाल रही हूँ, ये मैं केला डाल रही हूँ। आपको जो भी पसंद है वो फ्रूट आप डाल सकते हैं, जो भी पसंद हो आपको। ये सेब है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं मिला रही हूँ। ये सेब है, केला है और अनार है, 3 चीज़ें मैं मिला रही हूँ इसमें। सबसे अच्छा फ्लेवर केला और उसका अनार का आता है इसमें। और इसके बाद मैं फ्रिज में रख दूँगी 2-3 घंटा के लिए, जब ठंडा हो जाएगा तभी अच्छा लगता है खाने में। अभी इसमें सब मिला के मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ना ज़्यादा गाढ़ा है ना पतला है, ऐसा ही रहना चाहिए। ज़्यादा गाढ़ा होने से भी जम जाता है ये, मतलब ठंडा होने के बाद गाढ़ा होता है, तो इसीलिए उसी हिसाब से उतारिए कि मतलब ठंडा होने पर सही रहे, ज़्यादा गाढ़ा हो ना पतला हो। तो ये देखिए मेरा बन गया है। अब ये 3 घंटा फ्रिज में रखने के बाद मैं ले आई हूँ, देखिए ऐसा हुआ है, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना पतला है, मतलब एकदम सही है। ये कटोरी में देखिए, बिना ठंडा के अच्छा नहीं लगेगा, इसको कम से कम 2-3 घंटा के लिए फ्रिज में रखना ही पड़ेगा। फ्रिज में रख के खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे घर में तो हमेशा बनता है, बहुत सबको पसंद है, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह लगता है ठंडा ठंडा। ये देखिए मैं 2 कटोरी में रख दी हूँ, कितना अच्छा लग रहा है, अनार बहुत अच्छा दिखता है इसमें। ये बहुत ही हेल्दी है, न्यूट्रिशन वाली चीज़ है और खाने से फ़ायदा कोई नुकसान नहीं। आप बनाइए और खाइए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।